अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और थम्स अप बटन दबा दीजिए। तो पहला चीज जो आपको लेना चाहिए वो है मैप। चाहे आपको आपका ट्रेल के बारे में कितना भी अच्छे से पता हो, एक मैप आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास होना चाहिए सनस्क्रीन लोशन, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड देन कैप। एक अच्छा कैप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट सनलाइट से। और नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए सनग्लासेस। थर्ड है आपका क्लोथ्स। कपड़ा कैसा लेना चाहिए आपको? आपको मिनिमम कपड़ा लेना चाहिए। इतना कपड़ा लीजिए कि जिससे आपका चल जाए बस। ज़्यादा कपड़ा को मत ठूसिए अपने ट्रैक बैग के अंदर। एंड एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है ध्यान में रखना, वो है आपका कपड़ा बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। तो आप, मैं जैसे करता हूँ कि मैं डेकाथलॉन में जाता हूँ और वहाँ से ट्रैक के लिए स्पेसिफिकली जो सब कपड़े बनाया जाता है मैं वो सब सामान खरीद के ट्रैक में यूज़ करता हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेनकोट। एक अच्छे से एंड लाइट वेट रेनकोट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रैक में, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकता है और उसमें आपको अगर रुक जाना पड़े, आपके पास रेनकोट ना हो तो आप फंस सकते हो। नेक्स्ट है अ गुड पेयर ऑफ शूज़ एंड स्लीपर लेना मत भूलिए, क्योंकि रात को जब आप टेंट में घुसोगे या कहीं पर भी रहोगे तो शूज़ पहन के तो रह नहीं सकते, तो स्लीपर लेना मत भूलिए। एंड यस, अ गुड ट्रैकिंग पोल विल ऑल्सो बी हैंडी इफ़ योर ट्रैकिंग ट्रेल इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेना ही चाहिए वो है आपका फर्स्ट एड किट। आपको आपका फर्स्ट एड किट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आपने क्या क्या सामान, क्या क्या मेडिसिन उस पर डाला है और उस मेडिसिन का क्या यूज़ है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए आपके फर्स्ट एड किट के बारे में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके हाइड्रेशन, मतलब आपका पानी का बंदोबस्त, पीने का पानी का बंदोबस्त। तो ट्रैक में जब आप जाते हो आप तो उतना सारा पानी कैरी करके नहीं लेके जा सकते। तो नॉर्मली ट्रैक में अगर आप किसी कैंप में रह रहे हो, किसी ट्रैक हाउस पे रह रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको पानी का बंदोबस्त वही लोग करके देते हैं। लेकिन अगर आप रास्ते पे जब चल रहे हो तब आपका पानी का बंदोबस्त आपको खुद को करना पड़ता है या जो बेस कैंप होता है वहाँ से कैरी करके पीठ में लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ एक ऐसा वाटर बॉटल जो मैं किसी भी फाउंटेन से पानी रिफिल करके उसको पी सकता हूँ उस बॉटल के साथ। उस बॉटल में इनबिल्ट फिल्टर लगा हुआ है। तो पीने के पानी के लिए मैं डिपेंड करता हूँ इस लाइफ स्ट्रॉ, इस बॉटल के ऊपर। इसके अंदर इनबिल्ट फिल्टर बना हुआ है, तो मैं कहीं से भी पानी इसके अंदर में डालता हूँ, झरने से, किसी भी रनिंग टैप वाटर, कहीं से भी पानी इसके अंदर में डालता हूँ, इसको खोलता हूँ और पी जाता हूँ। बहुत ही सेफ होता है। नेक्स्ट है आपका फूड। अगर आप किसी ट्रैक ग्रुप के साथ जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइज ट्रैक ऑर्गेनाइज़र के साथ जा रहे हो, तो खाने का बंदोबस्त वही लोग करते हैं। खाना पकाना, खाना आपको सर्व करना, ये सब बंदोबस्त वही लोग करते हैं। लेकिन आप जब रास्ते पे चल रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो दिन में, तो आपको थोड़ा बहुत खाना आपके साथ रखना चाहिए किसी भी इमरजेंसी के लिए, या आपको भूख लगे तो आप खा सकते हो एनर्जी, अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैं रखता हूँ काजू, आलमंड, डेट्स एंड देन मैं प्रोटीन बार या चॉकलेट बार भी रख लेता हूँ अपने साथ। तो उसमें क्या होता है, आपको ट्रैक में अगर थकावट होता है, भूख लगता है, तो वो सब खा के आप थोड़ा बहुत एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आपको आपके बैकपैक में हमेशा रखना चाहिए जब आप ट्रैक पे जा रहे हो वो है आपका लाइट। तो आप एक बड़ा सा टॉर्च भी ले सकते हो 3 या 4 सेल का, लेकिन वो भारी भी होगा और कैरी करने के लिए जब आप पैदल चलोगे तब आप हाथ में कैरी करना भी मुश्किल होगा। तो मैं यूज़ करता हूँ ऐसा हेडलैम्प। इसको आप, इसका पीछे स्विच रहता है, इसको आप ऐसे सर पे लगा लो, लाइट ऑन कर दो, बैटरी से चलता है, 2 छोटा सा पेंसिल बैटरी लगता है इसमें, और बिंदास चलते रहो।
जब आप टेंट पे रहोगे रात को तब भी आप इसको ऑन करके टेंट में ऐसे अंदर से टांग सकते हो, तो टेंट में आप अगर रीडिंग कर रहे हो या छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो टेंट के अंदर के लाइट के लिए। तो ये है। और नेक्स्ट और एक जो चीज़ है वो है ऐसा एक यूटिलिटी बैग जो वेस्ट में हम इसको टाई अप कर सकते हैं। ये यूटिलिटी बैग में मैं अपना GoPro रख लेता हूँ, टिश्यू पेपर, स्नैक्स बार जो चॉकलेट बार या प्रोटीन बार ये सब रख लेता हूँ, सनस्क्रीन लोशन जो भी आपको हैंडी रखना पड़ता है जो आपका बैकपैक में ना हो रख के आप इसमें रख सकते हो, तो चलने का टाइम में बार बार बैग खोल के वहाँ से आपको निकलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा कैमरे गियर्स। तो ट्रैक के लिए मैं कोई भारी कैमरा का सामान लेके नहीं जाता, मैं DSLR लेके नहीं जाता, मैं तो कोई ट्राईपॉड वगैरह लेके नहीं जाता। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो जितना वेट आप कैरी करोगे उतना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो मैं ट्रैक के लिए मेरा GoPro लेके जाता हूँ और GoPro के साथ एक गिम्बल है मेरा FewTech का, उस गिम्बल को लेके जाता हूँ और मेनली मैं डिपेंड करता हूँ मेरे मोबाइल कैमरे के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कैमरा गियर के साथ लेना पड़ता है वो है पावर बैंक। थोड़ा सा हेवी हो जाता है लेकिन बिना पावर बैंक के मैं मेरे बाकी सब कैमरा और गिम्बल को चार्ज नहीं कर सकता, मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकता, तो पावर बैंक लेना पड़ता है मुझे। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो सोलर स्ट्रिप भी ले सकते हो जो आप बैग पे टांग दो, तो पावर बैंक लेने का ज़रूरत नहीं, वहीं से आपका पावर कंज्यूम कर सकते हो, वहीं से आप अपना कैमरा गियर्स को रिचार्ज कर सकते हो। तो आज का वीडियो में मेरे तरफ से आपके लिए टिप्स, जो मैंने डिस्कस किया वो सब इक्विपमेंट, वो सब सामान तो आपको ट्रैक में लेके जाना ही चाहिए, उसके साथ मेरे तरफ से टिप्स है कि इस टाइप का पाउच आप कैरी कर सकते हो आपका ट्रैक के लिए। मैं इस तरफ का 2-3 पाउच कैरी करता हूँ, एक रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और वाइट कलर का। मेरे पास 4 पाउच है तो ये 4 पाउच मैं लेके जाता हूँ। इसमें क्या रखता हूँ मैं अपना कलर कोडिंग के हिसाब से, रेड कलर का पाउच में मैं मेडिसिन रख लेता हूँ, ब्लू में कैमरे गियर्स, छोटा मोटा USB पोर्ट, कैमरा का बैटरी वगैरह ये सब रख लेता हूँ, वाइट कलर में मैं हेडलैम्प रख लेता हूँ और ग्रीन कलर में मैं अपना फूड रख लेता हूँ।